जी जी जय जी, जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। 8 महीने पहले उलीडी थाना में थाना क्षेत्र से एक बच्ची लापता हो गई थी जी, जो आज 8 महीने के बाद बच्ची मिली है। क्या कह रहे हैं लोग जी? देखिए बिनोद जी, आपको बता दें जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र से संकोसाई रोड नंबर 5 से 11 फरवरी को बच्ची लापता हुई थी। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा थाना उलीडी थाना को बच्ची को सौंप दिया गया था। उसके बाद सभी कागज का प्रक्रिया के बाद उलीडी थाना जो है सुनारी चाइल्डलाइन को बच्चा को सौंप दिया गया था। उसके बाद से परिवार वाले हमेशा बच्चे को छानबीन खोजबीन करते थे, मगर इस पे थाना में सूचना दिया गया था, लिखित नहीं दिया गया था। मगर आपको बता दें 2 महीना पहले उलीडी थाना में आपका वहां से लेटर आया था जो कि चाइल्डलाइन के लोग ने भेजा था, अभी तक बच्ची यहां पर है। तो उस आधार पर राहुल नाम का एक लड़का है जो कि बच्चे की माँ जो है राहुल के यहाँ काम करती थी बगान में, तो उसी को लेकर के राहुल ने प्रशासन से संपर्क किया। तो मोहम्मद शमीम जो है उलीडी थाना के एसआई हैं, उनसे संपर्क किया था, उनका पास लेटर आया था, इस केस को वो देख रहे थे। तो उन्होंने कहा बच्ची चाइल्डलाइन में है तो हम वहां चलकर देखते हैं, तो सही में पाया गया वही बच्ची है। उसके बाद 8 महीने के बाद आज इस बच्ची को मां के हवाले किया है। काफी बच्ची खुश है, परिवार खुश है, और बताया जा रहा है 2 बेटा और 2 बेटी है। तो ये बेटी लापता हुई थी, अब 8 महीने के बाद पुलिस की मदद से और राहुल जो है उसकी मदद से बच्ची जो है मिल गई उसकी माँ को। चैन लाने ये लोग गए थे, सभी कागज प्रक्रिया के बाद बच्ची को माँ के हवाले सौंप दिया गया है। परिवार वाले काफी खुश है। दोनों लोगों से हमने बात किया है, अपने राहुल से भी बात किया है और समीम जी से भी बात किया है, तो इसमें दोनों लोगों का काफी योगदान है बच्ची को खोजने में, और बच्ची परिवार वालों को मिल गई है। जी जी धन्यवाद जाहिद जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के। इसमें ऐसा कि 11 फरवरी 2021 को एक बच्ची संकोसाई पास में लापता हो गई थी, तो स्थानीय लोगों द्वारा थाना में पहुंचा दिया गया था। फिर उसको हम लोग विधि सम्मत तरीके से उसको चाइल्ड लाइन सुनारी पहुंचा दिए थे। उसके बाद चाइल्ड लाइन सुनारी से करीब 2 महीने बाद एक लेटर आया था कि बच्ची को लीगली फ्री करना है। तो बच्ची को अगर लीगली फ्री कर दिया जाता तो बच्ची को अडॉप्शन चलाती, और उनके माँ बाप बहुत गरीब थे तो आगे केस वगैरह नहीं लड़ पाते। तो हम लोगों द्वारा बार बार स्थानीय लोगों से उसके माँ बाप को खोजा जा रहा था, हमने काफ़ी प्रयास करके उसके माँ बाप को खोजा, तो उसके माँ बाप हमको फाइनली मिल गई। राहुल जी है, उनके घर में काम करती थी तो हमको मिली, तो फिर हम लोगों ने उनके मदद से और फिर से चाइल्ड लाइन सुनारी की मदद से माँ बाप को, माँ और बच्ची को मिलाया। बच्ची बहुत खुश है उसके घर जा करके। बच्ची से पूछा भी गया कि क्या आप चाइल्ड लाइन सुनारी में रहना चाहती है, वहाँ पे खाने पीने का अच्छा व्यवस्था है, तो बोले कि नहीं, अपने घर वालों भाई बहन के साथ जाओगे। बच्ची बहुत खुश है मिल करके। कितने भाई बहन हैं ये लोग? बच्चे टोटल दो भाई दो बहन हैं। क्या उम्र होगा बच्ची का? 6 साल। 6 साल। 6 साल। माँ को सौंप दिया गया। अपना नाम पूरा बताइएगा। मेरा नाम हुआ एसआई समीम खान। आपका? राहुल प्रसाद। राहुल प्रसाद कहाँ रहते हैं? केदार बगान संकोसाई रोड नंबर 1। क्या हुआ है बताइए तो आज? सर एक्चुअली 11 फरवरी 2021 को रीना कुमारी नाम की बच्ची लापता हुई थी, जिसका शिकायत हम लोगों ने ऑलरेडी थाना में दर्ज करवाया था। दर्ज करवाने के पश्चात हमारे इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समीम खान थे, जिनसे हमने कोऑर्डिनेट किया, तो आज के दिनांक में आज वो बच्चा मुझे बरामद हुई है, रीना कुमारी। कहाँ से? सोनारी चाइल्ड केयर से। कैसे पता चला वहाँ पर है? सोनारी चाइल्ड केयर के थ्रू समीम खान को एक लेटर आया था और मैसेज आया था कि आपकी रीना कुमारी ऑलरेडी थाना अंतर्गत बच्ची जो है हम लोग के निगरानी में है। इसी के माध्यम से हम लोगों ने समीम सर के थ्रू सोनारी चाइल्ड केयर थाना गया और बच्चे को बरामद किया और उसके माँ को हम लोगों ने सौंपा। माँ का क्या नाम है? माँ का रीता देवी। कहाँ की है ये लोग? ये लोग रहने वाली है पोखारी के। आपके यहाँ क्या काम करती है माँ? जी क्या चीज़ का? केदार बगान में वो काम करती है। क्या चीज़ का? खेती का काम करती है उसकी माँ हमारे यहाँ। अच्छा, बच्चा माँ को मिल गया? जी। कितने महीने के बाद मिला? 7 महीने के बाद मिल गया। जी काफ़ी खुश हुई होंगे? बहुत खुश हुई बच्ची को प्राप्त करके माँ ने। कहाँ से लापता हुई थी? ये संकोसाई रोड नंबर 5 से ही लापता हुई थी। वो अपने पिताजी के साथ आई थी और पिताजी के बाद फिर वो बच्चा इधर उधर गई और
फिर वो लापता हो गई। पुलिस को मिला था, पुलिस ने वहाँ से जब पुलिस को इसके बरामद किया तो पुलिस ने इसे फिर सोनारी चाइल्ड केयर में पहुँचा दिया।